इधर ही। अरे मुझे बैठा दो यार कहीं पे ना, यहाँ पे है बैठने की जगह यहाँ पे। किधर? थोड़ा ऊपर, इधर। अब ठीक तो आपको लगी तो नहीं? हाँ मुझे लगी तो नहीं। आप अकेले हो यहाँ पे? नहीं, मेरी एक फ्रेंड आई थी साथ में, वो पता नहीं किधर चली गई है पानी लेने के लिए। ठीक है अभी आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरा कुछ सामान तो नहीं गिरा यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं गिरा। पक्का? कुछ नहीं गिरा। ठीक है, ओके ठीक है। जिन्होंने आपको कुछ चुराया है? मेरा? आपको चेक करो, कुछ गुम तो नहीं हुआ है? अरे कुछ नहीं लिया बाबा, मैंने तो उनकी मदद की है। अच्छा देख लेते अभी पता चल जाएगा क्या किया। नहीं मेरा सामान तो पूरा है। पूरा है, अच्छे से चेक करो। हाँ सामान पूरा है मेरा। नहीं कुछ भी नहीं है, जाने दो इसको, जाने दो। अरे आपके गले में कुछ था, चेक करो। मेरी चैन किधर है? चैन किधर है मेरी? किधर हो तुम, किधर खड़े हो? मैंने अभी आपको उठाते हुए देखा इधर से, इनकी चैन तो आप ही के पास है, मैंने अभी देखा उठाते हुए। अरे यहीं पे गिरी होगी, यहाँ पे देख लो एक बार। हेलो, वो मुझसे टकरा है, मैंने उनकी मदद की। टकराए मदद की मतलब कि तुम उनका फायदा उठाओगे? मैंने कहा फायदा उठाया, इनकी चैन को निकाल के आपके पास है, मैंने अभी देखा है। आप कुछ नहीं है, आप इधर उधर देख रहे थे कि कोई आपको देख ना रहा हो। आपने नहीं है, आप ही के पास है? नहीं है मेरे पास। आपकी चैन, मुझे लेट हो रहा है। मेरी चैन थी गले में, इसको जाने मत दो। आपके पास है? कहाँ गई इनकी चैन? इनकी चैन निकाल के दो। मैंने अभी खुद देखा आपको यहाँ पे चैन। इधर देखो एक बार, इधर तो नहीं गिरी है? इधर देखो यहाँ पे गिरी होगी कहीं पे। देखिए आपकी चैन, इसको अपने जेब में डालते हो, इसके जेब चेक करते हैं अभी। कोई गिरी होगी आप? अपनी जेब दिखाओ। आप मेरी जेब चेक नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? दिखाओ मेरे जेब चेक करने का कोई राइट नहीं है। क्यों राइट्स नहीं है? देखो तुमने चैन, तुमने चैन उठाई हो, चल रहे थे कहीं गिर गई होगी। देखो तुमने चैन उठाई हो तो मेरी चैन वापस कर दो। मैंने देखा है, मेरी आंखें क्या फूटी हुई है, मुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैंने उनकी मदद की, आप मुझे ब्लेम कर रहे हो? हाँ तुम्हें ही ब्लेम कर रही हूँ, क्योंकि मदद करने के जरिए तुम इनका फायदा उठा रहे हो। मैंने कोई फायदा नहीं उठाया है। मेरा फोन भी आ रहा है, एक मिनट, शायद मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, वो आके देखेगा, वो तलाशी लेगा मेरा, शायद किसी दोस्त का पता नहीं कहाँ से उठेगा फोन। पहले हेलो, तब तुम जाओगे इधर से, तुम कहीं नहीं जा सकते। अभी मैं चेक, अभी पुलिस को बुला दूँ, सब चेक हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी हो जाओ, बुलाओ। नहीं पहले दो। नहीं मैं क्यों चेक करूँ? देखो सुनिए मेरी बात, हेलो पहले मेरी बात सुनो। ये जो लड़की बोलने लग रही है ना, इन्होंने चैन उठाते हुए देखी है और मेरे चैन सही में मेरी टूट गई है। चैन तुमने उठाई है तो देखो मेरी चैन गायब है। मदद की आपने, मदद की तो इनके गले में होती, मदद की आपने। मेरी सोने गोल्ड की चैन है, गोल्ड की चैन है, इतनी मोटी चैन है, प्लीज आप वापस कर दो। किसी की मजबूरी का फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। चैन दे दो, मुझे आप इसकी चेकिंग करो जब तक मेरा दोस्त नहीं। नहीं चेक, चेकिंग तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुमने चोरी नहीं किया तो चेकिंग करने दो ना। आप मेरी चेकिंग नहीं कर सकते। ये निकल गई चैन। निकल गई? किधर है मेरी चैन? दो मुझे। वो मेरी चैन है। ओए हेलो, मेरी चैन दो, मैं पहचान जाऊंगा एक बार। चोर चोरी के बाद यही बोलता है, ये मेरा माल है। एक बार मेरे के बाद यही बोलता है, ये मेरा माल है। मेरे हाथ में दो एक बार, चेक करो। हाँ ये मेरी चैन है, ये मेरी चैन है। तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, ये मेरी चैन है। नहीं ये चैन तो मेरी है, सबक अच्छे से सिखाऊंगी। ये मेरी चैन है, मेरी चैन दो मुझे। अच्छा एक काम करो सुनो, ये चैन तुम्हारी है। मेरी, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, पुलिस में तुम कंप्लेंट करो कि हमने तुमसे चैन छीन लिया तुम्हारी। तुम्हारे पास इस चैन के बिल होंगे ना, कहाँ से खरीदी है वो भी प्रूफ होंगे ना। तुम ला के दो, मैं नहीं ला के दूंगा ना। तुम बोल रही हो तुम्हारी चैन है, चैन तुम ला के दो, बिल तुम ला के दोगे, चैन इनकी है, बिल तुम लेके आना पड़ेगा। सकते हो चैन इनकी है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैं पीछे बैठी हुई थी, मैं देख रही थी। इनकी मदद क्यों नहीं की फिर? मैं देख रही थी तुम क्या करना चाह रहे हो इनके साथ में, सब देख लिया मैंने, सब देख लिया। अभी तो मदद, तभी तो करने आई मैं मदद, जब मुझे पता चल गया। मैं सिर्फ चेक कर रही थी तुम्हें, तुम क्या कर सकते हो? किसी की हेल्प करोगे या किसी का फायदा उठा के भागोगे? सुनो तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो, ये चैन तुम्हारी है, मेरी है वो चैन, आप कैसे प्रूव कर सकते हो? चैन ठीक है, इधर दादी मैंने वो चैन, ये ना इधर, एक काम करो इस चैन को लेके पकड़ो और तुम यहाँ से ना चली जाओ, बहुत जल्दी भागना, क्योंकि पता क्या है तुम्हारी वहाँ पे वीडियो बन चुकी है, हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिलके। और ये चैन भी नकली है। तुम्हारी चैन है ये? नहीं क्या, अब क्या नहीं, हंसने की क्या बात है इसमें? किसकी चैन है ये?
हंस क्यों रहे हो इसमें? इधर आओ, चैन किसकी है ये? हंसने की तो बात ही नहीं है इसमें। चैन है ये? चैन चोरी कर रहे हो किसी की। मदद के नाम पे ना किसी को लूटो मत। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है किसी गरीब इंसान की हेल्प करने की, तो उसको लूटने का भी हक नहीं है तुम्हारा, ठीक है? और आज के बाद से ये चीजें बिल्कुल मत करना किसी के साथ, वरना पुलिस में सीधा। मेरे पास चैन मेरा था, मुझे लगा कि मेरा गिरा है। अच्छा, तुम्हें ये लगा ये चैन तुम्हारा गिरा है? हाँ। तुम पहन के आई थी इतनी मोटी चैन? अभी तुम इतनी मोटी चैन पहन के आई थी? मेरे जेब में थी। जेब में थी ये चैन? तुम्हारी जेब में थी भाई ये चैन? इसकी जेब में थी अभी भी। सुनो, ये बोल रही है अभी भी। कॉल करो विनीता, कॉल करो पुलिस के पास, सारा रिकॉर्ड हुआ। चैन कहाँ से गिरी है? क्या यही मामला खत्म कर दो। मामला क्यों खत्म कर रहे हो? बोल रही हो अभी भी कि तुम्हारी जेब में थी ये चैन? भाई हम प्रैंक, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर। उधर बोलो कि चैन कहाँ पे थी। माफ करने का तुम्हारा फेस है, तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है तुम्हारे फेस पे कहीं पर? उधर सॉरी बोलो अगर बोलना है तो। हेलो, ये मेरे साथ ही है, साथ ही है। या सॉरी बोलना है तो उधर करोड़ों लोगों से सॉरी बोलो अगर तुम्हें लगता है तुमने गलती की है। नहीं लगता तो फिर हम पुलिस कंप्लेंट कर दे, चैन तुम्हारी है। फिर पुलिस आके अच्छे से वीडियो देखेगी, चैन कहाँ से गिरी है, कहाँ से निकली है और किसकी चैन है। ठीक गलती है, सॉरी बोलती हूँ मैं। सॉरी बोलते हैं वहाँ पे, सॉरी बोलो। फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। हाँ, ठीक है, या तो जैन वन में आप हेल्प करो या फायदा मत उठाओ। हाँ, जरूर। ठीक है, जोड़ के अच्छे से, सॉरी। ओके ठीक है, जाओ जाओ। तो दोस्तों, ये सोशल एक्सपेरिमेंट हमने किया था सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि रियल में हेल्प भी करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ 10% या 90% ऐसे होते हैं कि मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि चलो भाई अंधा है या और कुछ है। ये सिर्फ एक इसी चीज़ की नहीं है, कोई अंधा था। वैसे भी कई बार हमने देखा है कि भिखारियों की वो जो प्लेट होती है, थाली होती है, उसमें से भी पैसे उठा लेते हैं। तो आप ये चीज़ किसी के साथ मत करना, ठीक है दोस्तों? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।